तो मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। बस कुछ मिनटों का वक्त अब बचा है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। मात्र 5 मिनट अब बचा है, 4 मिनट अब बचा है और उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 80% से ज्यादा मतदान हुआ था, अब ईवीएम में क्या कैद हुआ है बस बहुत जल्द आपको भी पता चलना शुरू हो जाएगा। राज्य के 40 विधानसभा सीटों के परिणाम बस अब आने शुरू हो जाएंगे। 4 मिनट और बचा रह गया है और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर राज्य में किसकी सरकार बनेगी। वहां मुख्य मुकाबला MNF, ZPM, कांग्रेस और BJP के बीच बताया जा रहा है। इस बीच आप स्क्रीन पर भी देखिए लगातार टैली हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभी आप 0 देख रहे होंगे। मिजोरम की जो 40 सीटें हैं उसमें अलग अलग पार्टियां कितनी सीटें लेकर आती हैं वो डेटा यहां पर भरना शुरू होगा जैसे ही वोटों की गिनती की शुरुआत होती है। बहुत ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, 40 सीटें हैं मिजोरम में, लगभग 8 बजे के बाद आप लगा लीजिए 1.5 घंटे में 9:30 बजे तक स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा मिजोरम में कौन सरकार बना रहा है। MNF सत्ता में वापसी चाहेगी और वही कांग्रेस जो कि 5 साल से इंतजार कर रही है वो भी यही चाहेगी कि सत्ता की चाबी उसके हाथ लग जाए। मिजोरम से थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी, थोड़ी देर का मतलब अब बस 3 मिनट। बिल्कुल 3 मिनट का वक्त जब वहां पर वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे और लगातार बड़ी कवरेज आप News18 India पर देखेंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों का रुझान कल देश ने दिखा दिया। 3 राज्यों में BJP की जीत की हैट्रिक ने 2024 के लिए दिल्ली में भी हैट्रिक की तस्वीर साफ कर दिया। जी हां, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों ने बता दिया कि अब भी इस देश में जीत की सबसे बड़ी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी ही है। एक अकेला सब पर भारी, दूर दूर तक ना कोई दल है ना कोई चेहरा जो कि मोदी का मुकाबला कर सके। और कम से कम 3 राज्यों के नतीजे तो फिलहाल यही बता रहे हैं, ये नतीजे ऐसे वक्त पर आए हैं जब 2024 के चुनावों में 6 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। बीजेपी की जीत की इस हैट्रिक में सारा विपक्षी कुनबा बिखर गया, अब उनके इंडी गठबंधन में भी सिर्फ फुटबॉल शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनावी नतीजे आने के बाद मिजोरम के नतीजों पर सबकी नजर है। मिजोरम में सरकार बनाने के लिए मुख्य मुकाबला 4 पार्टियों के बीच है। इसमें सत्तारूढ़ MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट, ZPM यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट, कांग्रेस और BJP शामिल है। MNF, ZPM और कांग्रेस सभी 40 सीटों पर चुनावी मैदान में है। वहीं BJP ने 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो MNF ने 27 सीटें जीतकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था, जबकि एक साल पहले ही 2017 में बनी नई नवेली ZPM 8 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही थी। सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस ने 4 और BJP ने 1 सीट जीतकर मिजोरम में पहली बार जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार देखना होगा कि जनता अपना विश्वास किस पार्टी पर जताती है। MNF के जोरम थांगा अपनी सरकार को बचा पाते हैं या फिर पूर्व IPS लाल दुहुमा के नेतृत्व में ZPM पार्टी सत्ता में आती है। हालांकि 40 विधानसभा सीटों वाले मिजोरम में इस बार नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं।